हेलो, आज हमारे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसका नाम है द वाइट टाइगर। और इसको किसने लिखा है? अरविंद अडिगा साहब ने लिखा है ये किताब। इस किताब को मैन बुकर प्राइज भी मिल गया है। लेकिन ये सारी तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। द बुक इज अबाउट इंडिया। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने देश के बारे में किताब है, और इसलिए ये किताब आपको कहीं भी जाते होंगे बुक फेयर वगैरह में या कहीं पर स्टॉल में भी, ये किताब लाइब्रेरी वगैरह में अक्सर ये किताब मिल जाती है। और ये किताब क्या है कि ये इंडिया के बारे में है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग थिंग इस किताब के बारे में ये है कि आप जानो कि इंडिया के बारे में, चूंकि ये इसमें क्या है, ये बेसिक ये नॉवेल है एक, बट इसमें कभी कभी आपको नॉन फिक्शनल चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी। जैसे इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल एंड सिचुएशन को जानना है एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन। ऑफकोर्स इसमें क्लास स्ट्रगल भी है। क्लास स्ट्रगल दिखाया गया है कि लैंडलॉर्डिज्म का वर्ग है और एक जो छोटे छोटे या गरीब कास्ट कह लो आप या क्लास कह लो, ठीक है, उनके बीच का स्ट्रगल दिखाने की कोशिश की गई है। और कई सारे जो आप ये भी कह सकते हो कि जो इसमें पॉलिटिकल सिचुएशन दिखाई गई है वो एक सटायरिस्ट फॉर्म में दिखाई गई है ना, जिसको और कई सारे मेटाफर्स का यूज किया गया है बीच बीच में। तो ये फनी तरीके से भी लिखा गया है और इंडिया की एकदम पिक्चर को दिखाता है कि यहाँ पर गरीबी भी है और भी यहाँ की, मैंने बता ही दिया ना, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन को भी ये डिस्क्राइब करता है। और साथ ही साथ वो क्लास स्ट्रगल की कहानी चलती रहती है और नॉर्थ और साउथ इंडिया की जो पूरी की पूरी कहानी है, कभी नॉर्थ इंडिया में आप देखो दिल्ली तक की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन, जब दिल्ली को डिस्क्राइब करते हैं राइटर तो पूरा दिल्ली का पॉलिटिकल सिचुएशन, फिर साउथ इंडिया के भी लिंकेजेस हैं। अच्छा, ये किताब का सबसे अच्छी बात है कि जो इसमें बलराम हलवाई है, तो प्रोटोगोनिस्ट जो है बलराम हलवाई की कहानी ये है कि जो इसकी पूरी पूरी लाइफ स्टोरी है, ये कैसे एक समय वो व्हाइट टाइगर हुआ करता था। व्हाइट टाइगर का मतलब ही है, जब आप पढ़ोगे किताब तो जान जाओगे कि इसको व्हाइट टाइगर क्यों कहा गया। व्हाइट टाइगर मतलब ये अपने गांव में रहता है बेचारा, बहुत ही प्रतिभाशान बच्चा होता है, इंटेलिजेंट होता है और व्हाइट टाइगर होता है ना, अपने टीचर्स इसको व्हाइट टाइगर कहते हैं या लोग फॉलोअर्स ना एक बार कुछ आंसर देता है। लेकिन चूंकि गांव में ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण इसके लाइफ में कई सारे चेंजेस आते हैं और फिर ये एस्केपिस्ट कभी कभी लगता है बनता है, अपनी परिस्थितियों से जूझता हुआ संघर्ष करता हुआ, और एक क्लास स्ट्रगल जो दिखाया गया है फनी वे में वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये किताब कभी आपको मिले तो यू मस्ट ग्रैब इट, आप इसको पढ़िए। और क्योंकि ये भारत के बारे में है, चूंकि अपना देश अभी क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है, अच्छी सुविधाएं आ रही हैं, ये थोड़ा पहले की पिक्चर प्रदर्शित करता है, इसमें दिखाता है, और वो जो मेंटालिटी दिखाई गई है वो सत्य भी है और उसको आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आप फ्री हैं। बट ये किताब के बारे में दो तीन चीजें मैंने मार्क करके रखी हैं, जैसे मैं हर किताब में करता हूं और आप लोग भी करते ही होंगे। जैसे एक बार इस किताब में मैंने मार्क करके रखा है कि गौतम बुद्धा से एक आदमी पूछता है कि बुद्धा आप अपने आप को क्या मानते हैं, ठीक है, आप अपने आप को भगवान मानते हैं या फिर मास्टर मानते हैं, तो वो कहते हैं ना इधर, हम आपको कुछ नहीं, हम खुद को कुछ नहीं मानते हैं। ऐसे ही इसमें एक जगह मैंने मार करके रखा, ऐसे कई सारी लाइनें हैं कि somebody ask, एक जगह डिस्क्राइब किया गया है व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है, सो इफ आई से द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ 10,000 ईयर्स वार ऑफ ब्रेन्स बिटवीन रिच एंड पुअर। मैंने आपको पहले बताया ना क्लास स्ट्रगल दिखाया गया इसमें, तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री 10 साल पुरानी एक कहानी है जिसमें क्या दिखाया गया है, मस्तिष्क की लड़ाई है। वो मस्तिष्क की लड़ाई किसकी है, एक एक अमीर लोग हैं गरीब लोग हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास स्ट्रगल, ठीक है, जिसको मार्क्सिस्ट और कई कई लेफ्टिस्ट व्यू हैं, देर आर सो मेनी व्यूज। बट ये किताब अच्छी है, आपको पढ़ना चाहिए, आपको मिले मौका तो लाइफ में जरूर पढ़ें, दिस इज फैंटास्टिक।